नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। आज के वीडियो में हम इंदौर के इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जिसे हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी खोला ही नहीं। आज हम बात करेंगे इंदौर में लड़ी गई आज़ादी की पहली लड़ाई, यानी कि सन 1857 की क्रांति के दौरान इंदौर में क्या हुआ था, कौन थे इस क्रांति के नायक और कौन थे खलनायक, और साथ ही जानेंगे महाराजा ऑफ इंदौर तुकोजीराव होलकर ने इस समय क्यों और किसका साथ दिया था। तो दोस्तों, हमारी जंगे आज़ादी की इस पहली लड़ाई की कहानी के इंदौर चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1818 में हुई मंदसौर की अपमानजनक संधि के बाद इंदौर में ईस्ट इंडिया कंपनी की दखल शासन एवं प्रशासन में शुरू हो गई थी। इसके पहले वीर शिरोमणि महाराज यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों से बहुत संघर्ष किया और अपने राज्य की स्वतंत्रता को कायम रखा। उनके बाद उनकी पत्नी तुलसाबाई होलकर और उनके वंशज भीमाबाई होलकर ने भी अंग्रेजों से संघर्ष किया, पर मराठा साम्राज्य की कमजोर होती शक्ति और आपस में फूट के कारण सन 1817 में हुए महितपुर के युद्ध में अंग्रेजों से हारने के बाद मंदसौर की संधि होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि अंग्रेजों की दखल यहाँ तक बढ़ गई थी कि वह यह तय करने लग गए थे कि अब राजा कौन बनेगा। सन 1850 के दशक में इंदौर की गादी पर महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय विराजमान थे। सन 1857 आते आते अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में नफरत और असंतोष की भावना का ज्वार उमड़ने लगा था, खासकर मध्य एवं उत्तर भारत में, जिन राजवंशों को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था या हड़पने की कोशिश की जा रही थी, वह रजवाड़े मुख्य रूप से अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। पर सबसे ज्यादा आक्रोश था तो वह सिपाहियों में था, जिन्हें कम तनख्वाह दी जाती थी। अंग्रेजी अफसर उनसे भेदभाव करते थे। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए कई सारे धार्मिक एवं सामाजिक बदलाव भी इसका कारण थे। इस आग में घी का काम किया चर्बी लगे कारतूसों ने, जिसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक जो थे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। 10 मई सन 1857 में मेरठ में सैनिक विद्रोह की शुरुआत होती है और धीरे धीरे यह क्रांति की ज्वाला इंदौर में पहुंचनी शुरू होती है। अंग्रेजों ने इंदौर में राज करने के लिए एक विशेष संरक्षित क्षेत्र कायम किया था, जिसे रेसिडेंसी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने पत्थर की एक इमारत खड़ी करवाई थी तथा अपने अफसरों के रहने के लिए कई सारे छोटे मोटे क्वार्टर भी बनवाए थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अलग ही कानून और अलग ही व्यवस्था लागू कर रखी थी। इंदौर स्टेट में अंग्रेजी कंपनी का प्रमुख ऑफिसर, जिसे रेजिडेंट कहते थे, वह रहता था। सन 1844 में महाराजा तुकोजीराव होलकर जब गादी पर बैठे थे, उनके समय सर रॉबर्ट हैमिल्टन रेजिडेंट था, जिसका व्यवहार महाराज के प्रति स्नेह एवं सम्मान भरा था। हैमिल्टन को बाद में प्रमोट करके AGG यानी असिस्टेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। मार्च सन 1857 में हैमिल्टन जो था, इसका स्वास्थ्य खराब होने लगा था, इसलिए यह सिक लीव पे अपने गृह राज्य को चला गया था। अब उसकी जगह पे आता है HM ड्यूरेंट। दोस्तों, इस नाम को याद रख लेना, HM ड्यूरेंट, जो कि इंदौर का नया AGG नियुक्त होता है। अब दोस्तों, यह नव नियुक्त ड्यूरेंट जो था, यह बड़ा ही शंकालु व्यक्ति था। वह महाराजा के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित था और दुर्भावना भी रखता था। 10 मई सन 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। पेशवा नाना साहेब, टाटा टोपे और झांसी की रानी की शौर्य गाथाएं अब इंदौर के सैनिकों का खून भी गर्मा रही थी। 14 मई सन 1857 को ड्यूरेंट को यह आभास हो गया था कि इंदौर के सैनिक भी विद्रोह कर सकते हैं। तब उसने भोपाल कंटिंजेंट के सीहोर से 2 तोपें, इन्फेंट्री की 2 कंपनी तथा केवलरी के 2 ट्रूप्स बुलवाए। ड्यूरेंट महाराजा तुकोजीराव होलकर से भी मिला और उसने महाराजा से रेसिडेंसी की रक्षा के लिए सैनिक सहायता मांगी। हम महाराज ने भी बहुत अनमने ढंग से ड्यूरेंट को सहायता का आश्वासन दिया, क्योंकि महाराज भी ड्यूरेंट को पसंद नहीं करते थे। इंदौर से 14 मील की दूरी पर अंग्रेजों की महू छावनी थी, जो कि आज भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी छावनी है। ड्यूरेंट को लगा कि यहाँ पर तैनात बंगाल आर्मी विद्रोह कर सकती है, इसलिए महू और इंदौर के सैनिकों के बीच का जो डाक कम्युनिकेशन था, उसने उसे बंद करवा दिया। ड्यूरेंट ने फिर सरदारपुर की जो भील कॉर्प्स की सेना थी,
उसको दो तोपों सहित बुला लिया। इस तरह से मई का महीना बीता। फिर जून सन 1857 में नीमच में हुए विद्रोह की खबरें इंदौर में आने लगी। तब भोपाल कंटिंजेंट की दो तोप रेसिडेंसी के पश्चिम की तरफ मूव करके खड़ी कर दी गई थी, यानी कि जो रास्ता नीमच से इंदौर की तरफ आता है उस तरफ। अब अंग्रेजों के निवेदन पे महाराज तुकोजीराव होलकर ने तीन तोपें, पैदल सेना की कंपनी और घुड़सवार सेना की दो टुकड़ी भेजी थी। दोस्तों, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ, तो महाराजा बिल्कुल ही अंग्रेजों के पक्ष में थे, पर यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे महाराज पेशवा नाना साहेब और त्याता टोपे के संपर्क में थे। पेशवा के एजेंट ने उन्हें माँ अहिल्या के नाम का वास्ता भी दिया था और महू छावनी को पूरी तरह से नष्ट करने की बात भी कही थी। महाराजा ने सन 1857 के विद्रोह के पहले ही अपनी सेना में वलायती और मेवातियों की भर्ती शुरू कर दी थी, जो कि अपने अंग्रेज विरोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे, और पूरे राज्य में उन्होंने हथियार भी पहुंचा दिए थे। तो यह इस बात को बता देता है कि महाराज के इरादे क्या थे। साथ ही महाराज ने अंग्रेजों से छिपकर तोपे एवं हथियार बनाना भी शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, अब 10 जून को महितपुर में तैनात यूनाइटेड मालवा कंटिंजेंट भी विद्रोह कर देती है। वहां पर तैनात ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर की हत्या कर दी जाती है। 14 जून को भोपाल कंटिंजेंट का कर्नल ट्रेवस सेना सहित इंदौर में आता है। इस बीच झांसी और ग्वालियर में हुए भीषण विद्रोह की खबरें भी इंदौर पहुंचती है, जिसकी तुलना क्रांतिकारियों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फॉल ऑफ बस्तील से की थी। 17 जून को एक बहुत बड़ा मूव क्रांतिकारियों के द्वारा इंदौर में किया जाता है। क्रांतिकारी अफीम गोदाम, जहां पर आज इंदौर में इनकम टैक्स का ऑफिस है, वहां पर तैनात तीन तोपों को रेसिडेंसी चौराहे के पास ले आते हैं और ब्रिटिश अधिकारियों के कहने पर भी उन तोपों को क्रांतिकारी हटाने से मना कर देते हैं। क्रांतिकारी महू से इंदौर के बीच फकीरों के वेश में संदेश भेजा करते थे, जिसे महू में तैनात कर्नल प्लेट ने 24 जून को पकड़ लिया था। जून के अंत में खान नदी के पास तैनात इंदौर स्टेट कैवलरी के 300 सैनिकों को होलकर सेना के कमांडेंट बख्शी खुमान सिंह के द्वारा हटवा लिया जाता है। दोस्तों, रेसिडेंसी में अंग्रेजों का लाखों रुपए का खजाना रखा हुआ था। ड्यूरेंट को उसके जो साथी अफसर थे, उन्होंने इस खजाने को पहले ही महू स्थानांतरित करने और रेसिडेंसी के चारों ओर एक खंदक खुदवाने की बात कही थी, पर ड्यूरेंट जो था वो बहुत अकड़ू था, उसने किसी की भी बात नहीं मानी। उधर मुंबई से इंदौर में ड्यूरेंट की मदद के लिए निकला लॉर्ड वुडबर्न का दस्ता भी इंदौर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह औरंगाबाद में हुए विद्रोह को दबाने चला जाता है। ड्यूरेंट ने इस बात को अजीब उलझन कहा था। 1 जुलाई को प्रातः कर्नल ड्यूरेंट रेसिडेंसी में स्थित खजाने को महू भेजना चाहता है, पर तभी इंदौर के सदर बाजार क्षेत्र से विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। होलकर सेना के तीन कंपनी सादत खान के नेतृत्व में सुबह 8:30 बजे रेसिडेंसी पर हमला करती है। इसमें होलकर सेना के कमांडेंट बंस गोपाल भी जुड़ जाते हैं। योजना के अनुसार क्रांतिकारी रेसिडेंसी पर तोपे दागना शुरू करते हैं। तभी कर्नल ट्रेवस रेसिडेंसी की रक्षा के लिए आगे आता है, पर वह देखता है कि सैनिक उसके किसी भी आदेश का पालन नहीं कर रहे, सिर्फ गिने चुने सैनिक ही मान रहे। कर्नल ट्रेवस इतने में ही हार नहीं मानता। वह अपने तोप खाने की मदद से क्रांतिकारियों को कुछ समय तक रोक पाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ कर्नल स्कॉली के अधीन जो भील कॉप्स थी, वह भी एक्शन नहीं ले पा रही थी। रेसिडेंसी पर तैनात महितपुर कंटिजेंट के सैनिकों ने भी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। विद्रोह का नेतृत्व प्रमुख रूप से सादत खान और बंस गोपाल ने संभाल के रखा था। उनका साथ अरोड़ा सिंह, भागीरथ सिलावट, भोपाल के वारिस मोहम्मद खान और मौलवी अब्दुल समद जैसे अन्य लोग दे रहे थे। रेसिडेंसी के हमले के 1 घंटे के भीतर ही सादत खान बड़ी तेजी से महल की ओर बढ़े और वहां जाकर उन्होंने बताया कि उन्होंने तोप चलाकर अंग्रेज अफसर को मार डाला है। वह अन्य सैनिकों से भी विद्रोह में भाग लेने के लिए चिल्लाने लगे। सादत खान सबको बता रहा था कि विद्रोह का आदेश महाराज ने ही दिया है। तब महाराज ने सादत खान द्वारा मचाए जा रहे इस हंगामे को देखते हुए उसे कैद करवा लिया, पर थोड़ी ही देर बाद उसे इस शर्त पे छोड़ दिया कि वह विद्रोह को नियंत्रित कर लेगा। 1 जुलाई को हुए इस हमले में 28 लोग मारे गए थे, जिनमें से 2 यूरोपियन थे, बाकी सब एंग्लो इंडियन सैनिक ही थे। कर्नल ड्यूरेंट को जब देखा कि महू की छावनी से भी अब कोई मदद नहीं आ सकेगी, तो वह रेसिडेंसी को छोड़कर भागने का फैसला करता है।
यह 10:30 बजे शुरू होता है उसका भागने का ये कारवां। औरतों को तोप खींचने वाली गाड़ियों में बिठा देते हैं और बाकी लोग जो अन्य गाड़ियाँ थी बैलगाड़ियाँ उस पर बैठ के रेसिडेंसी के पीछे के रास्ते से भाग गए थे, क्योंकि आगे तो क्रांतिकारियों के द्वारा बहुत ही खतरनाक फायरिंग की जा रही थी। ड्यूरंड ने पहले सोचा कि सिमरोल घाट होते हुए महू जाते हैं, पर उसे पता चला कि सिमरोल घाट पर तो पहले से ही क्रांतिकारियों ने कब्जा कर चुका है, तो अब उसने सीहोर जाने का फैसला किया। इतने में मौका पाकर क्रांतिकारियों ने रेसिडेंसी में रखे अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया और साथ ही अंग्रेजों के घर लूट कर जला दिए। तब महाराज ने अपने मंत्री दिनकर राव रेशमी वाले को विद्रोहियों को और उत्पात मचाने से रोकने के लिए भेजा था, तथा बख्शी खुमान सिंह और गणेश शास्त्री का एक प्रतिनिधि मंडल महू में रवाना किया था ताकि वह वहां पर तैनात कर्नल प्लेट से बात करें, परंतु अंग्रेजी सेना ने उन्हें कर्नल प्लेट से मिलने ही नहीं दिया, तो शाम को ही वह लोग वापस से इंदौर में लौट आए। अब रात को करीब 11 बजे महू की दिशा से तोप के गोले चलने की आवाजें इंदौर में आने लगती है। यहाँ 23वीं रेजिमेंट बंगाल इंडियन इन्फेंट्री और बंगाल लाइट कैवलरी की 1ली रेजिमेंट के एक विंग ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसमें कर्नल प्लेट, उसके सहयोगी फेगन, मेजर हैरिस और अन्य अंग्रेजों को मार डाला जाता है। तो इस तरह से अगले 3 दिनों तक इंदौर पर विद्रोही क्रांतिकारियों का राज रहा। सआदत खान को अब उसके सहयोगी नवाब सआदत खान कहने लगे थे। इस भगदड़ में अवसरवादी लुटेरे भी शामिल हो गए थे और उन्होंने काफी लूट मचाई। 4 जुलाई 1857 की सुबह क्रांतिकारी सैनिक 9 लाख रुपए की नकदी, बंदूकें तथा अन्य सामान हाथियों पर गाड़ियों पर लादकर इंदौर से ग्वालियर की ओर रवाना हुए। ग्वालियर जो कि पहले से ही क्रांतिकारियों के कब्जे में था, जहां से उन्हें आगे आगरा और फिर दिल्ली जाना था। तुकोजी महाराज से क्रांतिकारियों ने अब खुलकर विद्रोह का नेतृत्व संभालने को कहा, पर महाराज ने यह कहकर सम्मान पूर्वक मना कर दिया कि मैं इतनी बड़ी सेना का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हूँ। इसके बाद खिसियाया हुआ और भागा हुआ ड्यूरंड 3 जुलाई को सीहोर, 9 जुलाई को होशंगाबाद पहुंचता है। वहां से 14 जुलाई को वह औरंगाबाद पहुंचता है। औरंगाबाद से वह मेजर वुडबर्न की सेना लेकर 1 अगस्त को सिमरोल पहुंचकर महू के लिए निकलता है और ब्रिटिश सत्ता को पुनः मालवा में स्थापित करने का प्रयास वह शुरू कर देता है। दोस्तों, अब अंग्रेजों ने विद्रोही क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए आम जनता को कई तरह के लालच दिए, जैसे कि विद्रोहियों को सशस्त्र पकड़ाने पर 50 रुपए और निहत्थे पकड़ाने पर 30 रुपए का इनाम घोषित किया गया, पर कोई भी देशप्रेमी अंग्रेजों द्वारा दिए गए इस लालच में नहीं आया था। इसी बीच इंदौर के क्रांतिकारियों में आपसी विवाद भी हुए। सआदत खान और भागीरथ सिलावट के अपने गुट बन गए थे। दोनों अलग अलग दिल्ली पहुंचे। भागीरथ जी की मुलाकात दिल्ली में बादशाह से भी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह ने महाराज को एक संदेश भी भिजवाया था, पर जो कभी उन्हें तक पहुंच ही नहीं पाया। महाराज तुकोजीराव होलकर ने कुछ यूरोपियन लोग, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे, उन्हें अपने महल में शरण देकर उनका जीवन बचाया था। विद्रोहियों को जब इस बात का पता चला कि महल में कुछ यूरोपियन लोग हैं, तो उन्होंने महाराजा से इन फिरंगियों की मांग की, पर महाराजा ने यह कहकर उनको मना कर दिया कि मैं अपनी शरण में आए लोगों को मरते दम तक भी नहीं छोड़ूंगा। उधर उत्तर भारत में विद्रोह चल रहा था, पर सितंबर का महीना आते आते इंदौर में विद्रोह शांत हो गया था। कर्नल ड्यूरंड अक्टूबर 1857 तक महू में रहा और फिर वहां से धार मंडलेश्वर होते हुए इंदौर आया था। दिसंबर 1857 तक इंदौर के तमाम स्थानों पर क्रांतिकारियों की शक्ति को नष्ट कर दिया गया था। ड्यूरंड अब बड़ी सेना लेकर इंदौर में आया था। उसके मन में अपमानजनक हार का बदला लेने का भाव था। अंग्रेजों ने उस समय क्रांतिकारियों को चुन चुन कर एक तरफा मुकदमा चलाकर बड़े पैमाने पर मौत की सजा सुनाई। कई क्रांतिकारियों को तो ऐसे ही मार डाला। महाराज होलकर जितने सैनिकों को बचा सकते थे उन्होंने उतने सैनिकों को बचा लिया, पर अंग्रेज क्रांतिकारियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देने के साथ साथ तोप के गोले से भी उन्हें उड़ा रहे थे। कईयों के तो सीने उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिए थे। इसी बीच झांसी की रानी की वीरता देख चुका अंग्रेज अफसर ह्यू रोज भी इंदौर में आया था। अंग्रेजों ने इंदौर शहर को बंधक सा बना लिया था। दोस्तों, इन क्रांतिकारियों में आमझेरा के महाराज बख्तावर सिंह का जिक्र करना भी जरूरी है, जिन्होंने अंग्रेजों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर उखाड़ फेंका था। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें
धोखे से बुलवाकर कैद कर लिया था और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और अंततः 10 फरवरी सन 1858 में उन्हें इंदौर में फांसी दे दी गई थी। भागीरथ सिलावट को भी पकड़कर देपालपुर में फांसी दे दी गई थी। सआदत खान 17 सालों तक अंग्रेजों से बचते रहे पर बाद में उन्हें गिरफ्तार करके अक्टूबर सन 1874 में रेसिडेंसी के एक पेड़ पर फांसी दे दी गई। उन्हें रेसिडेंसी में ही दफनाया गया था। डूरंड, जो कि महाराज से शुरू से ही नफरत करता आया था, वह महाराज होलकर को भी गिरफ्तार करवाना चाहता था। महाराज पर भी अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया पर इतने बड़े राज्य के महाराज को अंग्रेज ऐसे ही जेल में नहीं डाल सकते थे और अंततः महाराज के द्वारा क्रांति के समय अंग्रेजों को की गई सहायता एवं उनकी जान बचाने के कारण उन्हें अंग्रेज निर्दोष घोषित कर देते हैं। क्रांति के बाद इंदौर का व्यापार चौपट हो गया था, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, होलकर सेना की शक्ति पहले से बहुत कम कर दी गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का राज पूरे भारत पर आ गया था। तो दोस्तों, यह था सन 1857 की क्रांति का घटनाक्रम। भविष्य में संभव हुआ तो इंदौर के आसपास के इलाकों में इस समय क्या हुआ था, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।